फातिमा बेटा, इतना अच्छा लग रहा है। सारा दर्द खत्म हो गया है। बहुत दर्द था मेरे सर में। तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। ताई मी, आपके जब भी सर में दर्द हुआ करे, आप मुझे बुला लिया करें। अरे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता कि मैं बस तुम्हें हर काम के लिए आवाजें देती रहूं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने ऐसा कब कहा? क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे बिना तकल्लुफ अपना हर काम कह देता है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। जज़ाकअल्लाह, आमीन। ताई अम्मी, आज शाहीन तो आई नहीं है। आपको अपने कपड़े प्रेस कराने थे ना? आप मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। ताई अम्मी, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। जानती हो फातिमा बेटा, जब तुम होने वाली थी तो तुम्हारी माँ के पास मैं थी और तुम बहुत कमजोर पैदा हुई थी और डॉक्टर्स ने तो हमें डरा दिया था कि शायद ये बच्ची बचेगी नहीं। मगर आज देखो, माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो तुम। अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया, शक्ल दी और सबसे बढ़कर बेहतरीन अखलाक दिया है तुम्हें। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब जल्दी से मुझे अपने कपड़े दे दें। ऐसे क्या देख रही हैं? फातिमा बेटा, तुम्हें पता है मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी देता, मगर वो ऊपर वाले की मसले है। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी? बेटा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। जीती रहो बेटा। या अल्लाह, तेरा शुक्र। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी? किन ख्यालों में होती हो, क्या कर रही होती हो तुम? I'm sorry. मुझे लगता है तुम्हें ना अनिका के बहुत जरासीम आ रहे हैं। अपना ख्याल रखो, उसे दूर रहा करो। ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं? अजीब लड़की है यार, मुझे तो कभी कभार पागल लगती है। अल्लाह उस शख्स की हिफाजत करे जिसके गले इसने सारी जिंदगी पढ़ना है। हो मर्जी जो तेरी, होता है वही। अब जान गया भीगी आँखों से मैंने, है जो तुझको सुनाई। अब तो मेरे खुदा।